ये बोर्ड है TP.HV553.PC821। इस बोर्ड की हम आज EMM से रीड करेंगे। ये 4K बोर्ड है। देखिए यहाँ पे हमने RXTX के कम्युनिकेशन RT809H प्रोग्रामर के साथ रेडी की है। इसके कनेक्शन पहले से करके रखे हैं मैंने। इस बोर्ड की हम हाई टूल की मदद से इसकी फाइल रीडिंग करेंगे, MMC फाइल रीड करेंगे। सबसे पहले डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाएंगे। और इसे रीनेम करके TP.HV553EMMC read इस नाम से सेव करेंगे। अब ये नया फोल्डर बन गया डेस्कटॉप पे। अब चलिए चलते इसका सेटअप खोलने के बाद इसके पैरामीटर को पहले चेक कर लेते हैं हम। पैरामीटर ये पहले से ही सेट है। अब इसकी सीरियल प्रिंट ले लेते हैं। सीरियल प्रिंट निकलने लगा इसका मतलब हमने जो किया हुआ सीरियल कम्युनिकेशन ओके है। इस सीरियल प्रिंट को आप क्लोज कर लेते हैं और बोर्ड की पावर को ऑफ कर देंगे। अब इस सीरियल प्रिंट में EMMC की पार्टीशन लिखी हुई आती हुई उसे कॉपी करना होता है और उसकी एक XML फाइल बनानी पड़ती है। वो फाइल यहाँ पे ढूंढनी पड़ती है। देखिए वो फाइल यहाँ है, EMMC की पार्टीशन। यहाँ पे लिखी होती है 1M फास्ट बूट के साथ और हर एक पार्टीशन की साइज़ लिखी होती है। यहाँ पे उसे कॉपी करना पड़ता है, या तो कॉपी करो इस, या तो इससे अलग से लिख के एक अलग से फोल्डर बनाओ XML की। मैंने इसको पहले से बना के रखी है, ये साइड में देखिए, इसे मैंने पहले ही बना के रखी है। अब यहाँ टूल चेन की तरफ चलते हैं। टूल चेन में हम हाई सिलिकॉन ऑफिशियल सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। सबसे पहले हमें डिवाइस सेट करनी होती है, स्विच डिवाइस अपने बोर्ड की प्रोसेसर के नाम के साथ सेट करना होता है 553 का। और अपना कम पोर्ट इसको सेट करना है। उसके बाद हमें अभी EMMC बर्न EMMC को सेलेक्ट करना है और सीरियल को चेक करना है। सीरियल को टिक करते हैं।
इसके बाद ये मैंने डेस्कटॉप पे पहले ही बना के रखी है फास्ट बूट, इसे कॉपी करना है। और यहाँ पे इस कॉलम में एएमएस के सारे पार्टीशन कॉपी करनी होती है। अभी ये फास्ट बूट ये पहले से ही यहाँ पे सेव होता है। इसके बाद इसकी लेंथ लेंथ ऐड करनी होती है 1 mm। अब इसकी XML फाइल बनानी पड़ती है पहले हर एक पार्टीशन का। डॉट बिन से XML फाइल बनाना पड़ता है, जो हमने डेस्कटॉप पे बनाई थी फोल्डर वहाँ पे सेव होता है। चलिए अब फास्ट बूट डॉट बिन ये हमने फोल्डर बनाई है, इस फोल्डर में हमने सेव करना है इसे। फाइल का नाम गलत लग गया, fastboot.bin। इसकी लेंथ भी अब ऐड कर दिए। अब दूसरी फाइल ऐड करनी है हमें, लास्ट के ग्रीन बटन को प्रेस करना है। उसके बाद दूसरी पार्टीशन, इसे भी कॉपी करना है, पेस्ट। और इसकी साइज ये भी 1 MB की है, और इसका भी डॉट बिन के नाम से XML फाइल बनाना है। इस तरह से ये सारे पार्टीशन कॉपी करके हर एक पार्टीशन की XML फाइल बनानी होती है। ये देखिए हर एक पार्टीशन के आगे उसकी साइज लिखी होती है। हर पार्टीशन को डॉट बिन नाम से ही सेव करना है।
दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने डेमो के लिए कुछ ही फाइल यहाँ पे रखे हुए हैं। अभी इन फाइलों को सेव करना है XML फाइल बनाने के लिए, तो यहाँ पे नाम देते हैं हम 553 रीड। आप आपकी तरफ से कोई भी नाम दे सकते हो। इसके बाद अपलोड का बटन प्रेस करके बोर्ड को पावर देना है, और इस साइड में देखिए यहाँ पे फाइलें बनती रहेंगी। सॉरी, ये एरर आ गया, मतलब यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया नहीं है। जो भी हम फाइल बना रहे हैं डॉट बिन से, उसे सिलेक्ट करना है। अब अपलोड बटन दबा के इसे पावर देना है। अभी रीडिंग होना शुरू हो गया। इस साइड में देखिए अभी ये फाइलें बनती रहेंगी। और यहाँ कंसोल में देखिए ये फाइलें रीडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ फाइलें जो भी फाइल बन रही है वो यहाँ पे सेव हो रही है। अभी रीडिंग को पूरी होने में कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे, तो डेमो के लिए हम अभी इतना ही देखते हैं। और इसका रीड करके मैंने पहले के सेव करके रखा हुआ है। डेमो के लिए मैंने कुछ फाइलें इस एप्लीकेशन में डाल के अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो सेम इसी तरह प्रोसेस होता रहेगा। ये आगे यहाँ पे फाइलें बनते रहेंगी डॉट बिन से, जहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाई थी, और इस फाइल को हम
राइट भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।